तो अभी अपन उसी को आगे बढ़ाते हैं। विकेट नहीं आप गवा सकते। तो अपना वेव ऑन स्ट्रिंग एक तरीके से पूरा ही हो गया था क्या बच्चों? क्या वेव ऑन स्ट्रिंग पूरा ही हो गया था हमारा? वेव ऑन स्ट्रिंग तो हमने कुछ एक सवाल करवाए क्या? साउंड वेव्स पढ़ते हैं यार। देखो हाउ साउंड वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम वेव ऑन स्ट्रिंग्स, इसकी बात अपन करते हैं। साउंड वेव जो है वो वेव ऑन स्ट्रिंग से कैसे डिफरेंट है? साउंड वेव में आएगा बेटे, काहे चिंता। साउंड वेव्स आर longitudinal waves, whereas wave on string are transverse, है ना? साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वेयर एज वेव ऑन स्ट्रिंग आर ट्रांसवर्स। मतलब साउंड वेव्स में क्या होता है बेटे, जैसे ये सोर्स ऑफ साउंड है, तो वेव अगर इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, इधर प्रोपगेट कर रही है, इधर प्रोपगेट कर रही है, तो मीडियम के पार्टिकल्स भी क्या है, उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। वेव भी इधर जा रही है और मीडियम के पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, है ना? मीडियम पार्टिकल्स यदि वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करें, तो उस तरह की वेव को क्या बोला जाता है जी? साउंड वेव, है ना? तो साउंड वेव में एक तो ये डिफरेंस होता है साउंड वेव और किसमें, वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। साउंड वेव जो है वो थ्री डायमेंशनल वेव होती है, साउंड वेव्स आर बेसिकली कैसी वेव बेटे? थ्री डायमेंशनल वेव्स, थ्री डायमेंशनल होते हैं।
अब देखो बेटे, साउंड वेव में जो मीडियम के पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एस एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स ड्यू टू presence of sound wave in that body. तो s को हम लिखते हैं s not sine omega t minus kx plus phi. S is equal to S naught sine omega t minus kx plus. तो सोच क्या रहेगी? क्या क्विंटेट डिकॉक को आप अपने क्या ऐसा लिख सकते हैं जी? S is equal to S naught sine omega t minus kx plus. S नॉट क्या है? S नॉट को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड. ओमेगा ऑफ कोर्स है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 pi. F हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव. K वही आपका ओमेगा बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव या 2 pi बाय लैम्डा. K को बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर. को क्या बोलते हैं? एंगुलर वेव नंबर. और क्या है जी बच्चों? देखो फ्रीक्वेंसी अगेन किस पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ साउंड. और ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं? इंसान जिन फ्रीक्वेंसीज को सुनते हैं (2000 Hz to 20,000 Hz) है ना. लो फ्रीक्वेंसी की साउंड कैसी होती है? वो थोड़ी मोटी आवाज होती है ना. जैसे गाय भैंस चिल्लाती, गाय भैंस चिल्लाती, वो आवाज जो है वो क्या होती है बेटे? लो फ्रीक्वेंसी साउंड. और जैसे अभी आप एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुन रहे थे, श्रिल श्रिल आवाज जो होती है, तीखी आवाज जो होती है, वो होती है हाई फ्रीक्वेंसी. जैसे वो जो अपना कीबोर्ड होता है, तो कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में के जो आपके पास नोट्स होते हैं वो क्या हैं? वो सबके सब किस प्रकार के होते हैं जी? लो फ्रीक्वेंसी. और जैसे जैसे आप राइट में जाते हो तो वो कैसे होते जाते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी, है ना.
सॉरी 20 हर्ट्स, 20। हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हो? बोलो। मैं झुमरी तलैया से बोल रहा हूँ। बीस हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है ह्यूमंस को। बिल्कुल सही बात। 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स तक, है ना? तो जो बैंडविड्थ हमें सुनाई देती है वो क्या होती है बेटे? अप्रोक्सीमेटली 20 किलो हर्ट्स की होती है। ऑडिबल बैंडविड्थ, बैंडविड्थ मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज जो आपको सुनाई दे रही है वो क्या है? 20 किलो हर्ट्स की होती है, 20,000 हर्ट्स। अच्छा, साउंड वेव भी एक मैकेनिकल वेव ही है। साउंड वेव इज ऑल्सो अ मैकेनिकल वेव। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड्स और गैसेस की अगर हम बात करें तो वो आ जाती है अंडर रूट ऑफ बी बाई रो। बी इज बल्क मॉड्यूलस, और रो इज डेंसिटी ऑफ मीडियम। और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड्स की अगर बात करें तो वो हो जाती है अंडर रूट ऑफ वाई बाई वाई इज ऑफ कोर्स यंग्स मॉडुलस, रो इज डेंसिटी। एंड साउंड वेव्स प्रोपगेट विद हायर स्पीड इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड्स और गैसेस। साउंड वेव्स प्रोपगेट विद हायर स्पीड्स इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड्स एंड गैसेस। हाई स्पीड से सॉलिड्स में प्रोपगेट करते हैं। सॉलिड की डेंसिटी माना बेशक ज्यादा है लेकिन यंग्स मॉडुलस की वैल्यू तो और भी बहुत ज्यादा होता है। आइडियल गैस में अगर साउंड की स्पीड पता लगाना है अपने को, स्पीड ऑफ साउंड इन आइडियल गैस तो वो कैसे पता लगाओगे? वेलोसिटी ऑफ साउंड को लिखिए अंडर रूट ऑफ बी बाई रो। बी क्या है जी? बी इज बल्क मॉड्यूलस, है ना? अब इसमें क्या हुआ, न्यूटन फॉर्मूला की बात है, जाती है
न्यूटन ने क्या अज्यूम किया? ही अज्यूम दैट प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू अ मीडियम इन्वॉल्व्स कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन. But the temperature remains same. That is, it is an isothermal process. Isothermal process में हम क्या लिख सकते हैं? PV is constant. या आप लिख सकते हो dP by dV is minus P by V. या dP minus times dP divided by dV by V is P. Minus dP upon dV by V को क्या लिख सकते हो आप? यही तो होता है bulk modulus. तो यानी न्यूटन के हिसाब से साउंड जब किसी आइडियल गैस में से प्रोपगेट कर रही है तो बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है? प्रेशर के बराबर. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा जी? वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी बाई रो, है ना. और रो को क्या लिख देंगे? PM by RT. तो velocity of sound, propagation of sound in an ideal gas का formula क्या हो गया? Under root RT by M. इसको बोलते हैं Newton's formula for velocity of sound in ideal gas. Lekin when the velocity of sound was practically determined, it was found to be what? Greater than that calculated by Newton's law. तो इसमें क्या हुआ? एक साइंटिस्ट हुए साहब, उनका क्या नाम है? लाप्लास. तो लाप्लास करेक्शन आया किसमें? वेलोसिटी ऑफ साउंड में लाप्लास करेक्शन आया. उन्होंने उन्होंने ये कहा कि द compressions and rarefactions which take place while propagation of sound are so fast that there is no time for exchange of heat.
therefore it is an adiabatic process. ये कैसी प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस में डीपी बाय डीवी कितना लिखते हैं? माइनस गामा पी बाय, यानी डीपी अपॉन डीवी बाय वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे? गामा पी. इसको कहेंगे बल्क मॉडुलस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. तो उन्होंने कहा जी आप रूट बी बाई रो फॉर्मूले में ये बल्क मॉडुलस की वैल्यू यूज करो. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी? अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई. रो रो को क्या लिखेंगे? पीएम बाय आरटी. तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ गामा आरटी बाय. तो वास्तविकता में अगर अब आपसे कोई पूछे कि साउंड की वेलोसिटी क्या होती है तो आप यही लिखना अंडर रूट गामा आरटी बाय. Until unless कोई न्यूटन का फॉर्मूला ही स्पेसिफिकली ना पूछ ले. गामा वही है आपका सीपी बाई सी. मोनो एटॉमिक के लिए अलग, डायटॉमिक के लिए अलग, पॉलीटॉमिक के लिए अलग. बेटे अभी तुम सुनते जाओ ठीक है. नोट्स तो मैं भेज ही दूंगा तुमको, तुम आराम से उसमें से लिख लेना. अभी समझने पे ध्यान दो तो ठीक है. या देख लो तुम्हारी आदत पड़ी नोट्स लिखने की, लिखी हुई है तो अच्छी आदत है, उसको बनाए रखो. ये हमारा आज का पेज नंबर 1 है. ये नोट कर लिया था जी सबने? पेज नंबर 1 नोट कर लिया था? आगे चलें इससे. ये पेज नंबर 2 है जी. ये भी हो गया. ये पेज नंबर 3 है आज का. पेज नंबर 3 हो गया है जी. पेज नंबर 4, ये रहा पेज नंबर. अच्छा अगेन ये जो वेलोसिटी मैंने लिखी है ये किसके रिस्पेक्ट में ली है? दिस इज velocity of sound with respect to the particles of the medium. With respect to the medium, directly particles of the medium क्या है? सीधे ही लिखो with respect to the medium. जैसे मान लो कोई नदी है, रिवर करंट है चल रहा है, तो उसमें जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा रूट बी बाई रू, वो क्या आएगा? वो नदी के रेस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी है. ये वाला नोट कर लिया जी पेज.
ये पेज नंबर यार उसकी जरूरत नहीं है, आप तो बस मान लो कि आ गया है ना, उसके जैसा ही तो फॉर्मूला यार, जैसे वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग का फॉर्मूला होता है रूट टी बाय म्यू, है ना। तो उस टी की जगह यहाँ पे क्या आ गया, बल्क मॉडुलस, और म्यू की जगह क्या आ गया, केजी पर मीटर क्यूब आ गया। ये ऐसा होगा, गामा को क्या लिखेंगे जी, सीपी बाई गामा ऑफ मिक्सचर, अगर आपको लिखना हो कभी तो वो कैसे लिखेंगे, एन वन सी पी वन प्लस एन टू सी पी टू अपॉन एन वन सी वी वन प्लस एन टू सी वी, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर तो अपन देखते हैं एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू अपॉन एन वन प्लस, ये होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। तो ये क्या है, मान लो जैसे कोई आपसे ये पूछे कि फाइंड द रेशियो ऑफ find the ratio of velocity of sound in hydrogen and helium gas at same temperature. तो कैसे करेंगे बेटे, हाइड्रोजन में और हीलियम में वेलोसिटी का रेशियो लिख दें, तो हाइड्रोजन का क्या आ जाएगा, उसका गामा 7/5 आर टी डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास, तो हाइड्रोजन एच टू का होता है 2×10⁻³ किलोग्राम पर मोल, हीलियम मोनाटॉमिक गैस है
तो ये आर टी से आर टी कैंसिल हो गया, अंडर रूट ऑफ 7/(10^-3) मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया, 12/(10^-3) डिवाइडेड बाय 5। तो 10^-3 से 10^-3 कैंसिल हो गया, 2 6 12 and 2 5 10, तो अंडर रूट 42/5 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है जी? प्रीवियस स्लाइड ये रहा जी, प्रीवियस स्लाइड देखो, ये रहा जी आपका प्रीवियस स्लाइड। अब देखो साउंड वेव में क्या है, एक खास घटना और घटित होती है। वो घटना क्या है कि वेरिएशन इन प्रेशर ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। Variation in pressure due to propagation of sound. Variation in pressure due to propagation of sound. देखो बेटे क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं एंड ऑब्वियसली वो बिल्कुल क्या है ऐसा यूनाइसन में तो वाइब्रेट नहीं करते, वो तो उनके बीच में फेज डिफरेंस होता है। तो फेज डिफरेंस होता है तो क्या होगा, प्रेशर वेरिएशन करेगा, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की पल्सेस क्रिएट होंगी मीडियम।
पार्टिकल्स ऑफ मीडियम vibrate with some phase difference between different particles at different position. तो क्या होगा जी इसकी वजह से बेटे, जब वो पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे तो प्रेशर जो है वो नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। जब पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट दिशा में चले जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर प्रेशर जो है वो नॉर्मल प्रेशर से कम हो जाएगा। अब वो कितना कम हो जाएगा, क्या किस प्रकार से वेरी होगा, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ रिलेशन है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो क्या है बेटे, जैसे पार्टिकल्स ये इनकी नेचुरल पोजीशन है, मेन पोजीशन है सबकी, है ना। अब मान लो क्या है, एक पार्टिकल में एक्स डिस्टेंस पे कंसिडर करता हूं और एक पार्टिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स पोजीशन पे कंसिडर। इस वाले पार्टिकल का जब साउंड वेव इस पे आती है तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एस, और दूसरे वाले का हो जाता है एस प्लस डेल्टा एस। एक का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एस, दूसरे का हो जाता है क्या, एस प्लस डेल्टा एस। तो देखो अगर मैं एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो मीडियम है उस स्मॉल क्रॉस सेक्शन का एरिया मैं ए बोल रहा हूं, तो क्या इनिशियल वॉल्यूम को मैं ए डेल्टा एक्स ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, और फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एस। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, या जिसको डेल्टा वी भी बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा, क्या वो ए डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा, है ना। मीडियम में साउंड वेव जाने की वजह से अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हुआ। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन एक्स। और एस प्लस डेल्टा एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वी इतना हो गया, है ना।
अब देखिए बल्क मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है, बल्क मॉडुलस होता है माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी, यानी डेल्टा पी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टाइम्स बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा वी बाय वी। तो इसका मतलब चेंज इन प्रेशर को क्या लिख सकता हूं जी, माइनस टाइम्स बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी। तो डेल्टा वी को लिख दूंगा ए डेल्टा एस, और वी को क्या लिख दूंगा, वी मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वो ए डेल्टा एक्स आ जाए। तो डेल्टा पी कितना आ गया, माइनस टाइम्स बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा एस बाय डेल्टा, या हम लिख सकते हैं कि देखो हम डेल्टा एक्स को जीरो के अप्रोच कराएंगे, जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा तो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रहा है वो भी बहुत छोटा ही होगा। तो बेसिकली किसी एक पोजीशन पर जो प्रेशर में वेरिएशन आ रहा है इन कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट पोजीशन, या इन कंपैरिजन टू द नॉर्मली जो बिना साउंड वेव के प्रेशर रहता है, तो क्या वो रिलेशन माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स के बराबर लिख सकता हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एज वेल एज टाइम। डीपी क्या है, चेंज इन प्रेशर एट अ पर्टिकुलर पोजिशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। एट अ पर्टिकुलर पोजिशन एट अ पर्टिकुलर, मतलब जैसे कि आप बोल रहे हो कि s होता है s नॉट साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस फाइ, तो आप अब लिखना चाहते हो कि प्रेशर में चेंज क्या आएगा, तो आपने लिख दिया माइनस टाइम्स पर मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय डेल एस बाय डेल एक्स। अब एस को पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एस नॉट तो कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, और ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस के का डिफरेंशिएशन के एक्स का माइनस किया जाएगा। तो डीपी को क्या लिख दिया हमने, बी के एस नॉट इंटू कॉस ऑफ या डेल्टा पी को लिख दिया क्या, बी के एस नॉट इंटू अब यहाँ पे बी के एस नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेरिएशन, और ध्यान दो कि जो डेल्टा पी होता, डेल्टा पी एंड एस
हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू. मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस लेट से मैंने टाइम का ग्राफ बना दिया, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे बना दिया, या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स का ग्राफ बना दिया किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे बना दिया, तो इसके बेसिस पर चेंज इन प्रेशर वर्सेस एक्स का क्या ग्राफ आ जाएगा? चेंज इन प्रेशर की क्या वैल्यू होती है? माइनस बल्क मॉडुलस डेल एस बाय डेल एक्स. इसका मतलब देखो क्या है जी, जिस जगह पर डेल एस बाय डेल एक्स पॉजिटिव होगा, क्या वहां पे डेल्टा पी नेगेटिव होगा? तो ये वाला जो हिस्सा है ये एक्चुअल में ऐसा आएगा. ठीक है, इनफैक्ट मैंने गलत बना दिया. देखो बेटे, जहां पे ये जीरो है और स्लोप पॉजिटिव, तो उस जगह पर क्या है, डेल्टा पी नेगेटिव मैक्सिमम पे होगा. जैसे ही ये मैक्सिमम पे पहुंचा, डेल्टा पी की वैल्यू जीरो हो गई. फिर इस पूरे पार्ट में डेल एस बाय डेल एक्स इज नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. तो ये इधर से लेकर के इधर तक और उसके बाद क्या है, इधर से आप लोग चालू करो, जब ये जीरो होगा लेकिन स्लोप पॉजिटिव होने की वजह से नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ शुरू किया होगा. तो क्या हम बोल सकते हैं पाई बाय टू का फेज डिफरेंस है इनमें? एस एंड डेल्टा पी हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू. मतलब एट पोजीशंस एट दोस, मतलब द वेरिएशन इन प्रेशर विल बी मैक्सिमम एट दोस पोजीशंस ऑफ मीडियम.
वेरिएशन इन प्रेशर विल बी मैक्सिमम एट दोज पोजिशंस वेयर मीडियम पार्टिकल्स आर एट देयर एक्सट्रीम पोजिशन. जब मीडियम के पार्टिकल्स एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे तो प्रेशर वेरिएशन जीरो हो जाएगा, और जब मीडियम के पार्टिकल्स मेन पोजीशन पे होंगे तो प्रेशर वेरिएशन सबसे ज्यादा हो. क्या ये चीज समझ आ रही है जी? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साउंड वेव में. ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. dp इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स. देखो, क्या ऐसा होना ही चाहिए कि जहां पर डेल एस बाय डेल एक्स ग्रेटर देन जीरो है वहां पर डेल्टा पी इज लेस देन जीरो, और जिन पोजीशंस पे डेल एस बाय डेल एक्स नेगेटिव है वहां पे डेल्टा पी इज ग्रेटर देन जीरो. क्या ये बात समझ में आती है?
देखो बेसिकली डेल एस बाय डेल एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है कि जब एक्स बढ़ता है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, मतलब ये दो पार्टिकल्स हैं इनके बीच का सेपरेशन कुछ डीएक्स है, लेकिन जब साउंड वेव प्रोपगेट करती है तो इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कम होता है और इसके आगे वाले का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाता है। तो इसका कम डिस्प्लेसमेंट हुआ और इधर वाले का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ, तो ये जो अपना ओरिजिनल वॉल्यूम था इतना, क्या फाइनल वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम से ज्यादा हो गया कि कम हो गया जी? ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? रेयरफैक्शन हो गया यहाँ पे। इसका मतलब प्रेशर तो डिक्रीज हो ही जाएगा, तो डेल्टा पी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, है ना? और उसी तरह से मान लो ये दो पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं हम, जिनके बीच का सेपरेशन क्या है, जिनके बीच का सेपरेशन है डेल्टा एक्स। अब क्या हो रहा है, ये वाले पार्टिकल का थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन आगे वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इससे कम होता। इसका इतना हुआ, आगे वाले का कम हुआ, मतलब एक्स बढ़ता है तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा, मीडियम के पार्टिकल्स के बीच का ओरिजिनली वॉल्यूम इतना था और जब वेव प्रोपोगेट करने लगी तो वॉल्यूम इतना सा रह गया, तो क्या ये कंप्रेशन हो गया ना इस जगह पर? और यहाँ पे कंप्रेशन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, क्या डेल्टा पी पॉजिटिव आ गया? है ना? तो इस केस में क्या हो रहा है, एक्स बढ़ने पर एस बढ़ रहा, यानी कि हम क्या कहेंगे, डेल एस बाय डेल एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। और इधर क्या हो रहा है, एक्स बढ़ने पर एस की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब डेल एस बाय डेल एक्स इज लेस देन जीरो। तो जहां पे डेल एस बाय डेल एक्स लेस देन जीरो है, वहां क्या हो रहा है बेटे, कंप्रेशन हो रहा और प्रेशर ज्यादा हो रहा है, और जहां पे डेल एस बाय डेल एक्स ग्रेटर देन जीरो है वहां पे रेयरफेक्शन हो रहा है, मतलब प्रेशर कम हो रहा है ना? अच्छा, वैसे अगर मीडियम में आप प्रेशर वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाओगे तो वो कैसा बनेगा, प्रेशर वर्सेस एक्स का ग्राफ? मान लो कि ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो क्या होगा बेटे, जब साउंड वेव प्रोपगेट करेगी तो प्रेशर इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा, क्या इसी तरह से वैरी करता जाएगा? मैक्सिमम प्रेशर कितना हो जाएगा जी? अटक गया, अटक गया, अटक गया। यस, दोबारा शेयर करेंगे। ऐसा ग्राफ बनेगा क्या? मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा, PATM प्लस डेल्टा पी की मैक्सिमम वैल्यू, तो PATM प्लस BKS0, और पी मिनिमम क्या होगा जी, P
PATM minus delta P max, that is PATM minus BK S naught, है ना? तो जो BK S naught होती है वो प्रेशर के वेरिएशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है। वो प्रेशर की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं होती, वो प्रेशर के वेरिएशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती। क्या ये चीज समझ आती है बच्चों? तो दो बातें, एक तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड और प्रेशर वेरिएशन एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होगा? आर यू क्लियर अबाउट रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एंड प्रेशर वेरिएशन एम्पलीट्यूड? क्या इस चीज के बारे में क्लियर हैं आप? रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एंड प्रेशर वेरिएशन एम्पलीट्यूड क्या रिलेशन है? ये है प्रेशर वेरिएशन एम्पलीट्यूड, ये किसके बराबर है? बी के एस नॉट। एक दिया हुआ है तो दूसरा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो यहां पर मुख्य था वो क्या था? देयर एग्जिस्ट्स अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू इन एस वर्सेस एक्स ग्राफ एंड डेल्टा पी वर्सेस एक्स ग्राफ। डेल्टा पी को क्या लिखेंगे? माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स।
क्या ये बात समझ आती है जी? देखो, अगला जो इसमें मुद्दा होता है वो होता है पावर ट्रांसमिटेड बाय अ साउंड वेव। पावर ट्रांसमिटेड बाय साउंड वेव कैसे लिखेंगे? पावर ट्रांसमिटेड बाय साउंड वेव, पावर का फॉर्मूला तो वही होता है 2π² f² a² a की जगह क्या लिख देंगे अपन? s नॉट का स्क्वायर, 2π² f² a² म्यू वी, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब देखो यहां पर क्या है, हम पावर की जगह इंटेंसिटी में ज्यादा बात करेंगे। इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो बेसिकली पावर अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा 2π² f² s0² म्यू वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय एरिया। अब म्यू बाय एरिया को क्या लिख देंगे? म्यू है केजी पर मीटर और एरिया है मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 2π² f² s0² वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू डेंसिटी, है ना, या डेंसिटी इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। ये एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऐसा, एवरेज इंटेंसिटी ट्रांसफर्ड बाय अ साउंड वेव इज 2π² f² s0² रो वी। एंड देन अगेन क्या है, एवरेज इंटेंसिटी के फॉर्मूले में भी बच्चों क्या है, हम इस रूप में इंटरेस्टेड कम हैं, हम प्रेशर वेरिएशन के टर्म्स में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो एवरेज इंटेंसिटी जो अभी अपन ने लिखी है 2π² f² a² रो वी, तो यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को प्रेशर वेरिएशन एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो वो कैसे लिख देंगे? डेल्टा पी एम इज इक्वल टू बी के एस नॉट, तो एस नॉट की क्या वैल्यू आ जाती है जी? प्रेशर वेरिएशन एम्पलीट्यूड मतलब डेल्टा पी एम डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस इनटू एंगुलर वेव नंबर। तो एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा 2π² f² s0² की जगह लिख देता हूं डेल्टा पी एम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस का स्क्वायर इनटू के का स्क्वायर into rho into velocity of wave, है ना? अब देखिए बच्चों, velocity of wave under root b by rho होती है, तो क्या bulk modulus को मैं rho into velocity of wave का square लिख सकता हूँ? तो ये हो जाएगा 2π² f² डेल्टा पीएम का स्क्वायर, डेल्टा पीएम को तो डेल्टा पीएम ही रखा रहने दो,
रो वी को भी रो वी ही लिखा रहने दो, और बल्क मॉडुलस का स्क्वायर है तो रो स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव की पावर 4 लिख दो, और के क्या होता है जी, ओमेगा बाई वी, तो ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर, ऐसा लिख देते हैं। तो बेटे एक रो से एक रो कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव के स्क्वायर से वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और एक वेलोसिटी ऑफ वेव से ये वेलोसिटी ऑफ वेव कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर को क्या 4 पाई स्क्वायर f² लिख सकता हूँ, तो 2 पाई स्क्वायर f² डेल्टा पी एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर f² ऐसा लिख सकता, तो f² से f² कैंसिल हो गया, π² से π² कैंसिल हो गया, एक वेलोसिटी ऑफ वेव नीचे लिखा हुआ है, एक डेंसिटी वाला फैक्टर लिखा हुआ है, तो ऐसा, तो क्या डेल्टा पी एम स्क्वायर बाई 2 रो v आ जाएगा, एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा क्या? डेल्टा पी एम स्क्वायर बाई 2 रो, है ना? तो हम क्या है, एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड की जगह प्रेशर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में ज्यादा यूज करते हैं, है ना? साउंड वेव जब प्रोपगेट करती हैं तो रादर देन टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, वी रिलेट मोर टू द वेरिएशन इन प्रेशर टेकिंग प्लेस, है ना, इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो इंटेंसिटी को भी उसी के टर्म्स में हम लिखेंगे, इंटेंसिटी को क्या लिखेंगे, डेल्टा पी एम स्क्वायर बाई 2 रो v, एवरेज इंटेंसिटी कैरिड बाई अ साउंड वेव का ये फॉर्मूला आ रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? अब देखो, हम इंटेंसिटी के बेसिस पर एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड। देखो हमेशा ऐसा नहीं होता कि साउंड की इंटेंसिटी दुगनी हो गई तो साउंड हमें कानों में दुगना तेज सुनाई देगा, ऐसा नहीं होता, है ना? इट डज नॉट गो दैट वे, उस प्रकार से नहीं बढ़ती है, वो एक लॉगरिथमिक स्केल की तरह। मतलब देखो इंटेंसिटी तो क्या है, एनर्जी कैरिड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, लाउडनेस इज हाउ loud it appears to us when we hear that. Of course it will the higher intensity sound will appear louder in comparison to lower intensity sound. लेकिन क्या ऐसा होगा क्या कि इंटेंसिटी दुगनी हो गई तो वो हमें दुगनी तेज वॉल्यूम भी उसका दुगना सुनाई दे, ऐसा नहीं होता, वो लॉगरिथमिकली बढ़ता है रादर देन लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होता, वो लॉगरिथमिकली इंक्रीज होता है। तो क्या है, लाउडनेस को मेजर करने की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाउडनेस इज डेसिबल। डीबी, तो लाउडनेस इन डेसिबल का क्या फॉर्मूला होता है, 10 log of I/I0। एल क्या है जी,
loudness of sound of intensity I in decibel. Loudness of intensity of sound in decibel. और I not क्या होता है? I not होता है एक reference intensity होती है. I not is a reference intensity. Reference intensity से हमारा मतलब क्या होता है जी? रेफरेंस इंटेंसिटी मतलब वो इंटेंसिटी जिसकी लाउडनेस हमें जीरो सुनाई देती है ना. वो इंटेंसिटी जिसकी लाउडनेस हमें कितनी सुनाई देती है बच्चों? जीरो. आई नॉट को क्या कहेंगे? आई नॉट इज रेफरेंस इंटेंसिटी. That is intensity of sound for which loudness to human ears is zero. Intensity of sound for which loudness to human ears is zero. ये बात समझ में आती है? जहां पे देखो ये आई नॉट की वैल्यू को हम लिखते हैं कितना? 10 रेस टू द पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर. 10 रेस टू द पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर. देखो जैसे मैं एक सवाल देता हूं, मान लो हमसे कहा जाए कि बाय व्हाट फैक्टर शुड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इंक्रीज
so that its loudness increases by 6 decibel. So that its loudness increases by kitna? 6 decibel. So that its loudness increases by 6 decibel. कितना हो जाना चाहिए जी? टेन लॉग ऑफ टेन टू द बेस आई टू बाई आई वन हो जाएगा, ये बराबर होना चाहिए 6 डेसिबल के, है ना। अब देखो बच्चों, ध्यान दो कि लॉग टू कितना होता है, व्हाट इज लॉग टू, ये 0.3 होता है। इसका मतलब 2 is equal to 10 raised to the power 0.3, यही है ना। log 4 कितना हो जाएगा, 0.6, मतलब 4 is equal to 10 raised to the power 0.6, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है log of I2 by I1 to the base 10. This is 6. That means I2 by I1 ki kya value aa jayegi? 6 by 10. Yane 10 raised to the power 0.6. To kya I2 ko 4 I1 likh denge? तो बेसिकली आप क्या कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो, इंटेंसिटी डबल्स फॉर एवरी 3 dB राइज इन लाउडनेस। जब भी लाउडनेस 3 decibel बढ़ेगी तो इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। जब भी लाउडनेस 3 decibel बढ़ेगी तो इंटेंसिटी डबल हो जाएगी।
क्या ये बात समझ में आती है जी? और देखो जैसे एक और सवाल है, देर इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड एंड एन ऑब्जर्वर इस at a distance 2 meter from the source. There is a point source and an observer is at a distance 2 meter from the source. At what distance should the observer move so that the loudness of sound heard by the observer decreases by कितना बेटे? 12 decibel. क्या आएगा बच्चों? देखो बेटे, क्या डिस्टेंस बढ़ने से इंटेंसिटी कम हो जाती? ये सोर्स है, इसका पावर पी, यहां ऑब्जर्वर है, वो उससे आर डिस्टेंस पर। अगर
ऑब्जर्वर कुछ आर डैश डिस्टेंस पे चला जाए तो क्या इंटेंसिटी कम हो जाएगी? यहां इंटेंसिटी होगी पी बाई फोर पाई आर स्क्वायर, आगे जाएगा तो इंटेंसिटी हो जाएगी पी बाई फोर पाई आर डैश का स्क्वायर, है ना। हम चाहते हैं कि क्या हो जाए, 12 डेसिबल कम हो जाए। 3 डेसिबल कम होने का मतलब क्या होता है? आधा। 6 डेसिबल कम होने का मतलब 1/4। 9 डेसिबल कम होने का मतलब 1/8। और 12 डेसिबल कम होने का मतलब 1/16 हो जाए। यानी कि हम चाहते हैं कि नई इंटेंसिटी जो हो जाए वो पुरानी इंटेंसिटी का 16 हो जाए। तो नई इंटेंसिटी और पुरानी इंटेंसिटी का रेशो 1/16 हो जाए। इंटेंसिटी इनवर्स रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होती है फॉर पॉइंट सोर्स। तो आर स्क्वायर बाई आर डैश स्क्वायर की वैल्यू 1/16 हो जाए, यानी आर बाई आर डैश 1/4 हो जाए, यानी आर डैश की वैल्यू क्या हो जाए? 4R हो जाए, यानी आर डैश कितना हो जाए? 8 मीटर हो जाना। बोली बच्चों, क्या आर डैश 8 मीटर है जी? ये बात समझ में आती है सबको? और देखो, और एक सवाल कराते हैं। मान लो हमको कहा जाए क्या कि इफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 20, find increase in the loudness of sound in decibel. Find the increase in the loudness of sound in decibel. Find the increase in loudness of sound in decibel.
यस 13 डेसिबल इज करेक्ट आंसर। कितने डेसिबल से इंक्रीज हो जाएगा बेटे? 13 डेसिबल से इंक्रीज हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? हम लिख देंगे क्या? I2 by I1 की वैल्यू हमें दिया हुआ है 20, तो L2 माइनस L1 को क्या लिखेंगे? 10 log of I2 by I1 to the base 10, तो ये हो जाएगा 10 log of फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस 10। क्या होगा बेटे? स्क्रीन फ्रीज। ओके ओके, तो क्या हो जाएगा ये? 10 log of 20 को लिख लो 10 into 2, तो 10 to the base 10 plus log of 2 to the base 10, तो ये हो जाएगा 10 1 plus 0.3, तो 10 into 1.3, तो क्या ये 13 डेसिबल आ जाएगा? 13 डेसिबल से लाउडनेस बढ़ा ना। ओके, बात समझ में आ रही है? और देखो, और इसमें किस तरह का सवाल बन सकता है। मान लो हमसे कहा जाए कि फाइंड द फैक्टर बाय विच प्रेशर इज इंक्रीज्ड प्रोवाइडेड the loudness increases by 40 decibel। loudness कितने से बढ़ा दिया बेटे हमने? 40 decibel से। तो pressure कितने factor से बढ़ गया? previous page देखना।
देखिए कैसे करेंगे जी। लाउडनेस 40 dB से बढ़ गया तो इसको 10 log ऑफ I2 by I1 टू द बेस 10 ऐसा लिखेंगे। इसका मतलब 4 बराबर आ गया लॉग ऑफ I2 by I1 टू द बेस 10। इसका मतलब I2 by I1 का क्या रेशियो आ गया बेटे, 10 की पावर 4। और इंटेंसिटी क्या प्रेशर वेरिएशन एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है क्या, डेल्टा पी स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूँ डेल्टा पी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा पी वन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा डेल्टा पी टू बाय डेल्टा पी वन की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो इसका आंसर 10,000 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा 100। 10,000 आंसर कब होता, जब इंटेंसिटी, प्रेशर भी तो यही है, यही तो है प्रेशर, प्रेशर एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। प्रेशर का मतलब क्या है, प्रेशर एम्पलीट्यूड नहीं। प्रेशर के बारे में तो अपन बता ही नहीं सकते बेटे, प्रेशर के बारे में क्या बता सकते हैं, प्रेशर तो बहुत। बिल्कुल यही मान। प्रेशर एम्पलीट्यूड लिख दो उसको, उसको क्या लिख लो, प्रेशर एम्पलीट्यूड सही टर्म है, प्रेशर ऑफ कोर्स सही टर्म नहीं, सही टर्म क्या है प्रेशर एम्पलीट्यूड। अब हम बात करते हैं क्या बच्चों, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। देखो इंटरफेरेंस का तो वही मामला है जी, क्या है मान लो दो साउंड के सोर्स हैं और किसी ओ पॉइंट पर ऑब्जर्वर है, S1 से भी ओ पॉइंट तक साउंड वेव पहुंच रही है, S2 से भी ओ पॉइंट तक साउंड वेव पहुंच रही है। ये मान लो X1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये X2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो फेज डिफरेंस को क्या लिखूंगा, 2π/λ, यानी कि k इंटू x2 - x1 प्लस φ1 - φ2, ये ऐसा लिखें 2π/λ इंटू x2 - x1 प्लस φ1 - φ2, या डेल्टा थीटा को लिखेंगे कितना, k डेल्टा एक्स प्लस φ1 - φ2, ये डेल्टा थीटा को हम ऐसा क्या, ये बात समझ में आती है जी, डेल्टा थीटा को लिखेंगे के डेल्टा एक्स प्लस φ1 - φ2। और इस डेल्टा थीटा पे क्या होगा, देखो द रिजल्टेंट प्रेशर वेरिएशन एम्पलीट्यूड, एट पॉइंट ए इज गिवन बाय डेल्टा पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डेल्टा पी एम वन स्क्वायर प्लस
डेल्टा पी एम टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ डेल्टा पी एम वन इंटू डेल्टा पी एम टू इंटू कॉस डेल्टा डेल्टा पी एम वन स्क्वायर प्लस डेल्टा पी एम टू स्क्वायर प्लस टू डेल्टा पी एम वन इंटू डेल्टा पी एम टू इंटू कॉस डेल्टा या इसको स्क्वायर अगर हम कर दें तो डेल्टा रिजल्टेंट प्रेशर वेरिएशन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा डेल्टा पी एम वन स्क्वायर प्लस डेल्टा पी एम टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ डेल्टा पी एम वन इंटू डेल्टा पी एम टू इंटू कॉस डेल्टा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस डेल्टा आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस डेल्टा ठीक है तो जो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन वंडीशन है वो सब यहां पर भी वैसी की वैसी लग जाएंगी जैसे कि हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था या जैसा कि हमने किस में पढ़ा था वेव ऑन स्ट्रिंग में पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब डेल्टा थीटा को जीरो रख दो। अब इसमें यहां पर मैं एक चीज और आपको समझा देता हूं कि कोहरेंट एंड इनकोहरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। कोहरेंट एंड इनकोहरेंट सोर्सेस देखिए बच्चों कोहरेंट सोर्सेस वो होते हैं जिनके बीच में ये जो फेज डिफरेंस आ रहा है ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता। टू और मोर सोर्सेस आर सेट टू बी कोहरेंट इफ फेज डिफरेंस बिटवीन देम डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम या यूं कहें कि And hence, when sound waves from such sources interfere, the resultant intensity at resultant intensity is different at different places but it does not vary with time
क्या ये बात समझ में आती है बेटा? हाँ, अब देखो कंडीशन फॉर सोर्सेस टू बी कोहेरेंट क्या होती है? पहला, दे मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ही अलग हो गई तब तो फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी करेगा ही करेगा। दूसरा, इनिशियल डिफरेंस इन इनिशियल फेसेस मस्ट बी, या आप सीधे सीधे ऐसा ही लिख दो कि इनिशियल फेजेस मस्ट बी सेम। प्रैक्टिकली हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं वो इनकोहरेंट होते हैं। देखो जैसे मान लो कि आपने आपके घर में ऑडियो सिस्टम है, दो उसमें दो अलग अलग स्पीकर्स हैं, राइट? अब ये स्पीकर्स को जो इनपुट मिल रहा है वो तो एक कॉमन सोर्स से मिल रहा है, तो दोनों के दोनों जो साउंड एमिट कर रहे हैं वो तो सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड एमिट कर रहे हैं। बट आर दीज टू द साउंड एमिटेड बाई दीज टू सोर्सेस आर दे कोहरेंट? दे आर नॉट कोहरेंट, क्योंकि जो स्पीकर बेसिकली जो साउंड जनरेट होती है ना वो क्या होती है, वो कोई मतलब एक कोई कंटिन्यूअस वेव फॉर्म नहीं होती, वो सीरीज ऑफ पल्सेस होती है ना, एंड ईच पल्स इज एमिटेड विद इट्स ओन इनिशियल फेज। अब वो जो पल्स जब जनरेट होती है तो क्या होता है कि दोनों, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है, मतलब ये डायफ्राम जो होता है वो वाइब्रेट करता है और उससे साउंड प्रोड्यूस होती है, तो दैट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। तो उसमें क्या है भाई, आपको अगर इफ यू विल नॉट टेक एनी स्पेशल केयर कि वो डायफ्राम एक साथ ऑसिलेट करें हमेशा, तो क्या होगा, उनमें स्लाइट वेरिएशन तो आ ही सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता बच्चों? तो जो प्रैक्टिकली आपके पास दो अलग अलग साउंड के सोर्सेज होते हैं ना वो इनकोहरेंट सोर्सेज होते हैं, और इनकोहरेंट सोर्सेज में भी आप फॉर्मूला तो यही लगाओगे, लेकिन क्योंकि डेल्टा थीटा टाइम के साथ वेरी हो रहा होता है, तो जैसे दो स्पीकर से आवाज आ रही है, आप किसी एक जगह पे कान लगा के सुन रहे हो, वो दोनों आवाजें आपके कान में जा रही हैं, उनका इंटरफेरेंस हो रहा है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला इस प्रकार से दिया जाता है, वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी टाइम के साथ बहुत तेजी से वेरी होती, तो आपको एक एवरेज वैल्यू दिखाई देती है। अब इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू क्या दिखाई देगी? इनकोहरेंट सोर्स के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी की जो वैल्यू दिखाई देगी वो आई वन प्लस आई टू दिखाई देता है आपको। क्या दिखाई देता है बेटे? आई वन प्लस आई टू। एक स्पीकर से आई वन इंटेंसिटी आ रही है, दूसरे से आई टू। अगर वो स्पीकर्स आपस में कैसे हैं बच्चों, इनकोहरेंट हैं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी जी? रिजल्टेंट एवरेज इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? क्या वो आई वन प्लस आई टू हो जाएगी? रिजल्टेंट एवरेज इंटेंसिटी आई वन प्लस आई टू हो जाएगी। और फिर क्या होगा, आप कमरे में कहीं भी चले जाओ, ये ओ पॉइंट हो, कोई ओ वन पॉइंट हो, कोई ओ टू पॉइंट हो, फिर ये पाथ डिफरेंस मैटर नहीं करेगा, है ना? अगर इनकोहरेंट सोर्सेज हैं तो इन हर जगहों पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई वन प्लस आई टू हो जाएगी।
लेकिन यदि ये सोर्सेस कैसे होते, कोहरेंट होते, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई वन प्लस आई टू नहीं होती, क्या होती, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा की वैल्यू ओ वन ओ ओ टू पॉइंट्स पर अलग अलग होती, तो कहीं पर इंटेंसिटी हमें ज्यादा सुनाई देती, कहीं पर इंटेंसिटी सम से भी कम सुनाई देती, कहीं पे सम से भी ज्यादा सुनाई देती, कहीं पे सम के बराबर सुनाई देती, कहीं पे हो सकता है जीरो भी सुनाई देती। जो डार्क लाइन बनती है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो जीरो इंटेंसिटी की वजह से, क्यों, तो लाइट प्लस लाइट मिलकर के नो लाइट, तो साउंड प्लस साउंड मिलकर के भी क्या हो सकता है, नो साउंड, ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको क्या स्पेशल देखभाल रखनी पड़ेगी, क्या देखभाल रखनी पड़ेगी बच्चों, कि सोर्सेस कैसे हों, कोहरेंट सोर्सेस कैसे हों, कोहरेंट। अब ये कोहरेंट सोर्सेस जनरेट करने का तरीका वेव ऑप्टिक्स में ध्यान दो, अपन क्या करते थे कि हम सोर्स एक ही लेते थे और उसको दो स्लिट में डिवाइड कर देते थे। यंग डबल स्लिट में क्या करते थे, सोर्स एक ही लेते थे और उससे आने वाली लाइट को ही दो जगहों पर विभाजित कर देते, और फिर उसके बाद अपन इंटेंसिटी। अब देखो जो लाइट का जो जनरेशन हो रहा होगा, लाइट का जनरेशन तो साउंड की जनरेशन से भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से, ऑर्बिट एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, तब जाके लाइट निकलती। तो वो जो प्रक्रिया है वो हम एक ही जगह पर करवा रहे हैं, वो अलग अलग जगह पर नहीं करवा रहे, तो इससे क्या हुआ, जो लाइट निकल रही है वो सेम फेज में निकल रही है हमेशा, तो क्या है, इनकोहरेंट होने का चक्कर ही खत्म हो गया। साउंड टू जनरेट कोहरेंट सोर्सेज ऑफ साउंड हम क्या करते हैं, हम एक एपरेटस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं क्विंक्स ट्यूब। क्विंक्स ट्यूब में क्या होता है बेटे, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट, और कुछ ऐसा इंतजाम होता है कि क्या है, आप मतलब ये जो अपर पार्ट है इसकी पोजीशन को अप डाउन मूव कर सकते, तो यहां पर आप क्या करते हो जी, आपने यहां पे किसी का कान लगा दिया, इधर से आवाज सुन रहे हो और यहां पर आपने साउंड का सोर्स लगा दिया, तो क्या है, एक साउंड सोर्स यहाँ पे जनरेट हुआ और यही साउंड वेव एक बार इस रास्ते से भी होकर के आएगा, तो क्या दो अलग अलग रास्ते से आवाज इसके कानों में जा रही है, लेकिन क्या ये जो दो अलग अलग वेव इसके कानों में जा रही हैं, क्या ये दो वेव सेम फेज में है, क्या ये दो वेव सेम फेज में है,
है ना। अब देखो इसमें क्या तरीका किया जाता है कि ये जो मूवेबल पार्ट है ना, मतलब इसकी इसको हम ऊपर भी मूव करवा सकते हैं, मतलब ये जो वर्टिकल सेक्शन है इसकी लेंथ को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटे, देखो अगर मान लो आप क्या है वो ये वाला सेक्शन है इसको ऊपर मूव करवाते हैं, इसको ऊपर मूव करवाते हैं तो साउंड वेव को ज्यादा रास्ता ट्रेवल करके आना पड़ता, ज्यादा रास्ता ट्रेवल करना है आपका। उधर जो ऑब्जर्वर है वो क्या है, उसको किसी एक पोजीशन पर साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई दी, है ना, साउंड की इंटेंसिटी उसको मैक्सिमम सुनाई दी। उसके बाद क्या है, ये जो वर्टिकल सेक्शन है इसको और ऊपर मूव करवाते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि दोबारा मैक्सिमम कब सुनाई देती। तो दो मैक्सिमा के बीच में बेसिकली क्या हुआ होगा कि पहली पोजीशन पर अगर पार्ट डिफरेंस n लैम्डा आया है तो अगली पोजीशन पर n प्लस 1 लैम्डा आया होगा, है ना। अब क्या है, मान लो आपने इस वर्टिकल सेक्शन को कुछ x डिस्टेंस ऊपर चला दिया तो क्या पाथ लेंथ 2x अमाउंट से बढ़ गई क्या? पाथ लेंथ कितने अमाउंट से बढ़ गई, 2x अमाउंट से पाथ लेंथ बढ़ गई। तो क्या मैं बोल सकता हूं 2x इज इक्वल टू लैम्डा, है ना, और लैम्डा को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, v बाई एफ। तो इसकी मदद से हम वेलोसिटी ऑफ साउंड डिटरमाइन कर सकते हैं, 2xf के बराबर वेलोसिटी ऑफ साउंड, है ना। x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्टिकल सेक्शन between two maxima, displacement of vertical section between two maxima, displacement of vertical section between two maxima. और देखो जैसे मान लो हमसे कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए जी, क्या के S1 and S2 are two coherent sources of sound जिनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 3 lambda, और हम क्या कर रहे हैं, एक डिटेक्टर ऑफ साउंड को हम इस वॉल पे मूव करवा रहे, ठीक है। तो हमें पता लगाना है ये डिस्टेंस कैपिटल डी है और मुझे दिया हुआ है कैपिटल डी इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू लैम्डा। तो मुझे पता लगाना है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन द वॉल
so that intensity at that point is minimum. So that there is a second minima at that. उस पॉइंट पे क्या हो जाए, सेकंड मिनिमा बन जाए. तो यहां से आप ऊपर जाने लगोगे, यहां पे तो पाथ डिफरेंस जीरो है तो फेज डिफरेंस भी जीरो आएगा. तो लैम्डा बाय टू पे फर्स्ट मिनिमा बनेगा, फिर लैम्डा पे फर्स्ट मैक्सिमा, फिर थ्री लैम्डा बाय टू पे क्या बनेगा, सेकंड मिनिमा बनेगा. तो मान लेते हैं जी के क्या हो रहा है, थीटा एंगल पे जाकर के ऐसा हो रहा है. तो डेल्टा एक्स को क्या लिख दें, डेल्टा एक्स को थ्री लैम्डा साइन थीटा लिख दें, और ये थ्री लैम्डा बाय टू के बराबर हो जाना चाहिए फॉर सेकंड मिनिमम. इसका मतलब साइन थीटा की क्या वैल्यू आ गई जी, 1/2. तो क्या थीटा को 30 डिग्री लिख दें, थीटा को लिख दें कितना, 30 डिग्री. तो क्या हो जाएगा बेटे, वाई बाई कैपिटल डी इक्वल टू टैन. तो y की वैल्यू कैपिटल d बाय रूट थ्री आ जाएगी बच्चों. y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल d बाय रूट थ्री. हमसे कहा जाए कि g क्या है, एक डिटेक्टर को मैं इस तरह के सर्कुलर पाथ में घुमा रहा हूं, और क्या है, दो सोर्सेस के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो 4 लैम्डा. है ना? तो मुझे पता लगाना है कि जब ये डिटेक्टर सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो कितने मिनिमा सुनाई देंगे, हाउ मेनी मिनिमास विल द डिटेक्टर हियर. कितने मिनिमा सुनाई, तो देखो मिनिमा यहां पर पार्ट डिफरेंस कितना है 4 लैम्डा और इधर कितना है 0. तो कहीं पे 0.5 लैम्डा होगा, कहीं पे 1.5 लैम्डा, कहीं पे 2.5 लैम्डा, कहीं पे फिर 3.5. तो एक क्वार्टर में कितने मिनिमा सुनाई दे रहे हैं आपको, 4. तो टोटल 4 क्वार्टर्स हैं, तो कितने मिनिमा हो जाएंगे, नंबर ऑफ मिनिमास इज इक्वल टू 4 × 4, यानी 16 मिनिमास हो जाएंगे ना, 16 मिनिमा हो जाएंगे. है ना? मैथ्स का लेक्चर तो आपका 7 बजे से है, कितनी बजे से है बेटे,
मिनिमा तो 16 ही होंगे ना बेटे, प्लस 4 क्यों करना चाहते हो? यहाँ पे तो मैक्सिमा बनेंगे ना, इन जगहों पे तो क्या बनेगा? मैक्स और देखो मान लो हमसे कहा जाए कि S1 और S2 कोहरेंट सोर्सेज ऑफ साउंड हैं, है ना, और S1 और S2 के बीच की दूरी है 3 मीटर और देर इज एन ऑब्जर्वर एट पॉइंट पी, और ये दूरी है कितनी? 4 मीटर। तो क्या करना है? S1 and S2 are coherent sources of sound of frequency hertz each. Velocity of sound is 330 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट द पॉइंट पी इफ intensity at P due to S1 and S2 individually is 2 I naught plus I naught into cos delta theta, तो ये हो जाएगा 2 I naught plus 2 I naught cos delta। अब डेल्टा थीटा को क्या लिखोगे? क्या 2π/λ x लिख दो? तो ये हो जाएगा 2π/λ। लैम्डा क्या लिखेंगे? v/f, तो 330/110 यानी के
इनटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स कितना आएगा बेटे, एस वन से जो पी तक साउंड जाएगी वो तो 4 मीटर ट्रेवल करेगी, एस टू से पी तक जो साउंड जाएगी वो 5 मीटर ट्रेवल करेगी, तो क्या 5 माइनस 4 ऐसा लिखते हैं, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू 2π/3 आ गई, उसको इधर सब्सिट्यूट कर दो, 2I0 + 2I0 cos 2π/3, cos 2π/3 is -1/0, तो 2I0 - I0, क्या ये I0 आ जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P की क्या वैल्यू आ जाएगी, I0। क्या ये चीज समझ में आती है बच्चों, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विल बी I0। अब देखो बेटे क्या है, जैसे हमने साउंड वेव में भी स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती हैं, स्टैंडिंग साउंड वेव्स, और ये भी कैसे प्रोड्यूस होती है बेटे, जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली साउंड वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं, तो क्या होता है, स्टैंडिंग साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है, व्हेन साउंड वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इंटरफेयर विद ईच अदर, स्टैंडिंग वेव्स आर, और ये स्टैंडिंग वेव्स प्रैक्टिकली कहां पे प्रोड्यूस होती हैं, ऑर्गन पाइप्स, जैसे ये इस तरह का पाइप, आपने यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया, उसको आप वाइब्रेट करवा करके इसके सामने एंड इन रेजोनेंस ट्यूब्स, या मान लो एक ओपन ऑर्गन पाइप, इस पाइप को क्या बोलते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और ऐसे पाइप को क्या बोलते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप, इसको एक ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से, तो क्या होगा जी, ये साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा, यहां से रिफ्लेक्ट होगी, यहां से जब रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा,
डिस्प्लेसमेंट का मिनिमा बनेगा, तो या तो ऐसी साउंड वेव इसमें जनरेट हो सकती है, या फिर इस तरह की साउंड वेव जनरेट हो सकती है। इसमें तो क्या होगा, दोनों जगह पर ओपन एंड है, तो दोनों जगहों पर मैक्सिमा ही बनेगा, तो या इस तरह की जनरेट होगी, या फिर तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप तो पता है कैसा हो जाएगा, लाइक स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। और ये कैसा हो जाएगा, लाइक स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ। ये इस तरह के हो जाए, है ना। अब देखो, अच्छा लेकिन यहां पे ध्यान दो, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो रिजिड एंड है यहां पर डिस्प्लेसमेंट का तो बनेगा नोड, लेकिन प्रेशर वेरिएशन का यहां पर बनेगा क्या, क्योंकि वो पाई बाय टू का फेज डिफरेंस होता है, और इधर बनेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड, लेकिन प्रेशर वेरिएशन का नोड बन। ठीक है बच्चों, तो ओपन ऑर्गन पाइप ये इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन। तो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऐसी वाली बनेगी, फिर उसके अगली इधर क्या कंडीशन लिखोगे, एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई फोर, और यहां पे क्या लिखेंगे, एल इज इक्वल टू कितना, 3 लैम्डा बाई 4। इसके अगला मोड ऑफ वाइब्रेशन अगर आप देखोगे तो उसमें क्या आएगा, एल इज इक्वल टू λ/4 प्लस λ/2 प्लस λ/4, यानी 5 λ/2। तो लैम्डा को लिख दो v/f, यहां भी लैम्डा को लिख दें v/f, यहां भी लैम्डा को लिख दें v/f। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी v/4l, ये हो जाएगी कितना, 3v/4l, ये हो जाएगी 5v/4l। ये क्या है, फंडामेंटल। ये क्या है जी, फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक, और ये वाला क्या है,
सेकंड ओवरटोन या फिफ्थ हार्मोन? क्यों बेटा ऐसा बोल सकते हैं? प्रीवियस पेज ना, तो हम क्या लिखेंगे? फॉर ओपन ऑर्गन पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या रहेगी? वी बाई फोर एल। फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक क्या रहेगी? थ्री बी बाई। सेकेंड ओवरटोन या फिफ्थ हार्मोनिक क्या रहेगी? फाइव बी बाई फोर, है ना? अच्छा, इसमें क्या होता है, एक एंड करेक्शन भी आता है। एंड करेक्शन का मतलब क्या है कि जो एंटी नोड होता है वो एग्जैक्टली बाउंड्री पे नहीं बनता, बाउंड्री से थोड़ा बाहर जाकर के बनता है। तो क्या होगा, कितना डिस्टेंस बाहर जाकर के बनता है, जितना डिस्टेंस बाहर जाकर के बनता है उसको बोलते हैं एंड करेक्शन ई। और ये एंड करेक्शन बराबर होता है 0.6 टाइम्स द रेडियस ऑफ दिस ऑर्गन। ये ऐसा प्रैक्टिकली होता है, देखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई फोर को एल नहीं लिखना है हमें, क्या लिखना है, एल प्लस ई। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी बाई फोर, एल को किससे रिप्लेस कर देना है, एल प्लस ई। क्लोज्ड, अरे यार ये क्या है, क्लोज्ड, दिस इज क्लोज्ड। दिस इज फॉर क्लोज्ड ऑर्गन। ओपन ऑर्गन पाइप की अगर बात करें तो उसमें क्या होगा,
हाँ नोट नोट कर लीजिए। हेलो, ये क्या बोलते हैं कि भाई जो आपका एंटी नोड है ना वो एग्जैक्टली बाउंड्री पे नहीं बनता, जहां पर ऑर्गन पाइप की बाउंड्री है वहां पे नहीं बनेगा, ये किधर बनेगा, उस बाउंड्री के थोड़ा सा बाहर। तो ये क्यों होता है भाई, इसका कारण हम ऐसे समझ सकते हैं, क्वालिटेटिवली ऐसा समझ सकते हैं। बेसिकली एंटी नोड कैसे बनता है, जब मीडियम बहुत रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो एंटी नोड बनता है। व्हेन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स आर इन सेम फेज, जैसा कि वहां पे अपन ने देखा था लाइट रिंग लगा दी अपन ने एक एंड पे, तो वहां पे एंटी नोड बनने लग जाता है ना। अब यहाँ पे ओपन एंड पे रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, ओपन एंड देखो एयर तो एयर है, जो ऑर्गन पाइप के अंदर एयर है वो बाहर एयर है ना। लेकिन तब भी ये क्या बोलते हैं कि भाई देखो जो एयर पाइप के अंदर है वो वाइब्रेट करने के लिए उतना फ्री नहीं है जितनी की बाहर वाली एयर है, तो इसकी वजह से क्या है। लेकिन ये मीडियम की प्रॉपर्टीज में जो चेंज आता है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बाउंड्री से ही आना चालू हो गया, बाउंड्री से थोड़ा सा बाहर आपको आना पड़ेगा तब जाकर के वो मीडियम की प्रॉपर्टीज में चेंज आए। तो अब वो बाहर कितना बाहर आना पड़ेगा, तो उसका जो है वो ये प्रैक्टिकली देखा जाता है कि जब एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं तो देखा जाता है कि क्या है, आप एक नॉन फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क ले लो और नॉन फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क से एक गिवन लेंथ के ऑर्गन पाइप को वाइब्रेट करवाओ, जब बहुत जोर की आवाज आए तो आप समझ जाओ कि क्या हो गया है, इनके आपस के बीच में जो फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क है वो इनमें से किसी फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई है। तो जब आप इन सब से एल की वैल्यूज निकालते हो तो क्या है वो एल से थोड़ी सी ज्यादा आती है, जो लेंथ हमने यूज कर रखी है उतनी नहीं आती, उससे थोड़ी सी ज्यादा आती है हर बार। तो इसको क्या बोलते हैं, हम तो एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे लेकिन आती ज्यादा, इसलिए उसको बोलते हैं एंड करेक्शन। जहां पर क्लोज्ड एंड है वहां तो ठीक डिस्प्लेसमेंट नोड बन जाता है, लेकिन ठीक ओपन एंड पर एंटी नोड नहीं बनता, उससे थोड़ा सा बाहर बनता है ना। इनफैक्ट कोई भी हो, फिर आपको फर्स्ट हार्मोनिक लिखनी हो तो वो हो जाएगी 3V, मतलब फर्स्ट ओवरटोन लिखनी हो तो 3V/4L+E, सेकेंड ओवरटोन लिखनी हो तो 5V/4L+E, इस तरह से ये है ना। फिर एक होते हैं क्या, ओपन ऑर्गन पाइप्स। ओपन ऑर्गन पाइप्स में क्या होता है बच्चों, ओपन ऑर्गन पाइप्स की अगर आप बात करोगे तो उसमें यहां पर भी एंटी नोड बनना है, इधर भी एंटी नोड, तो यहां पर भी क्या होगा, एंटी नोड थोड़ा सा बाहर बनेगा और उधर भी एंटी नोड थोड़ा सा बाहर बनेगा, है ना।
तो क्या हो जाएगा, देखो दो एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस तो लैम्डा बाई टू है ना। ये जो लैम्डा बाई टू है ये अब की बार एल के बराबर नहीं होगी, एल प्लस टू ई के बराबर। लैम्डा को वी बाई एफ लिख दूंगा, तो ये एल प्लस टू ई आ गया, तो एफ की क्या वैल्यू आ गई, वी बाई टू एल होना चाहिए, लेकिन L की जगह L प्लस टू ई आ। इसको कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगला पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, इधर बन जाए एक लूप ऐसा बन जाए और एक लूप, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू लैम्डा, है ना। तो हो गया बेसिकली, इसको टू लैम्डा बाई टू लिख सकते थे। और ये अगेन किसके बराबर होगा, एल प्लस टू ई के। लैम्डा को वी बाई एफ लिख देता हूं, तो एफ की क्या वैल्यू आ गई, टू वी बाई टू टाइम्स ऑफ एल प्लस। अगेन अगला पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन कैसे बनाओगे, इधर तो हमें ऐसे दो लूप बनाने और इनके बीच में अब दो लूप और बना दें, तो ये इस तरह से, तो क्या हो जाएंगे, लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू, तो थ्री लैम्डा बाई टू इक्वल टू एल प्लस टू ई। लैम्डा को लिख दिया वी बाई एफ इक्वल टू एल प्लस टू ई, तो एफ की क्या वैल्यू आ गई, थ्री वी बाई टू इंटू एल प्लस। क्या ये बात समझ में आती है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, फर्स्ट ओवर टोन या सेकेंड हार्मोनिक। ये क्या है, सेकेंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक। नहीं, क्या ये बात समझ में आ रही है, बच्चे ये बात है ना। तो आज के लिए हम इतना पढ़ते हैं, ये हमारा लगभग खत्म हो गया है बच्चों, है ना। अब इसमें हमको क्या है, कुछ एग्जांपल्स करने हैं और एक नहीं, अभी हमें क्या है, डॉपलर इफेक्ट और पढ़ना है। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चंस हमको और पढ़ना। कल कल लेक्चर है क्या अपना, आज
ओके तो कल इसको अपन खत्म कर लेंगे, है ना? साउंड वेव से कौन कौन सा सेक्शन कर सकते हो बेटे? देखो, साउंड वेव से आप कर सकते हो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ई तक तो कर ही सकते हैं, ठीक है? ए बी सी डी ई तीन सेक्शन कर सकते हैं, सॉरी पांच सेक्शन।